विधानसभा कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय पानीपत रुके हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। बीजेपी के 400 पार के नारे पर बोले अनिल विज, लोकसभा चुनाव का नतीजा ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि अब की बार 400 पार। राजनेताओं की मत सुनो, आम लोग मोदी को चाहते हैं, आम लोग प्रगति चाहते हैं, आम लोग मोदी के कामों से खुश हैं। मोदी ने विश्व में हर हिंदुस्तानी का जो मान बढ़ाया है उससे खुश हैं। मोदी ने जो भारत को विकसित बनाने की बात की है, आज तक कोई भारत और किसी भी पार्टी का नेता या प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सका। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और सभी मुसीबतों से छुटकारा दिलवाएंगे। दिव्यांशु बुद्धि राजा पर किए गए सवाल पर अनिल विज ने कहा कि 4 तारीख के बाद ये खड़े नहीं पड़े हुए नेता मिलेंगे। भाषणों और विज्ञापनों से नेता नहीं बनते हैं, ये तो लोगों के दिलों की बात होती है और मन की बात होती है कि वह किसे अपना नेता मानते हैं। नहीं नहीं, दिल्ली विधानसभा कमेटी की मीटिंग है तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ जी, लोकसभा चुनाव है सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कोई है माहौल 400 पार का बीजेपी दावा और कांग्रेस है इंडिया गठबंधन बोले 400 के हम 150 भी पार निकल। देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है ये दीवार पे लिखी हुई इबारत है कि अब की बार 400 पार। आप राजनेताओं को बोलते मत सुनो, आम लोग क्या कह रहे हैं, आम लोग मोदी को चाहते हैं, आम लोग देश की प्रगति चाहते हैं, आम लोग मोदी ने जो काम किया है उससे खुश हैं, आम लोग मोदी ने जो मान बढ़ाया है हर हिंदुस्तानी का सारे संसार में उससे खुश हैं, और आम आदमी जो मोदी ने विकसित भारत बनाने की बात की है, आज तक कोई पार्टी, किसी पार्टी का नेता, कोई प्रधानमंत्री इसके बारे में सोच नहीं सका। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, यानी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आम लोगों से पूछो, आम लोग मोदी को ही चाहते हैं। बात ये है, विपक्ष के आप खड़े मत देखना, 4 तारीख के बाद ये पड़े देखना कि गिरे कितने इनमें से। ये कोई एडवर्टाइजिंग से, भाषणों से या उससे बात नहीं होती है, लोगों के दिल की बात होती है, और लोग अपना मन लगातार देखते रहते हैं कि किस पार्टी का क्या किरदार है। बिल्कुल पक्की, पिछली बार जीते थे उसके बाद बहुत काम किया है केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने। बीजेपी के कुछ नेताओं का विरोध भी हो रहा है, अरविंद शर्मा भी हैं। देखिए, ऐसा होता है, ये विरोध प्रायोजित होते हैं। जो लोग बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं वो हाथापाई पर आते हैं, ये ठीक नहीं है प्रजातंत्र में। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। आपका अलग मत हो सकता है, आप जाइए लोगों को समझाइए, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इससे बड़ी तो चीज ही कोई नहीं है। किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पार्टियां अपनी बात समझाएं। और ये जो लोग विरोध करते हैं ये लोगों को जाके अपनी बात समझाएं, एक दूसरे से मत टकराएं, एंड लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला कर रहे हो। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगियाँ तो उनकी होती हैं जिन्होंने कुछ पाना होता है और उनको नहीं मिलता, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। 6 बार के विधायक रहे आप? हाँ, तो हूँ, 6 बार का विधायक हूँ, होम मिनिस्टर भी रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ। सर, जो सपना आपने पुलिस के लिए देखा क्या वो आप पूरा कर पाए अभी? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी था, पर जो आए हैं वो करेंगे। हमने जो रास्ते बना दिए, जो चीज़ें हमने कर दी, अब मैंने डायल 112 शुरू की, तो जो आने वाली सरकारें उसको चलाएंगी।
मैं सारे चौकी थानों का रिन्यू करना चाहता था, जो आए वो करेंगी। मैं सारी भर्ती करना चाहता था, जो सरकार आएगी वो करेगी। एक सवाल और सर, तो बीजेपी बीजेपी का गठबंधन था, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन अब गठबंधन टूटा, अलग अलग हुए, जेजेपी सीएम पर भी आरोप लगा रही है, बीजेपी जेजेपी, क्या कोई राजनीति पे मर्यादा नहीं होगी, आपस में सम्मान नहीं करते? देखिए ऐसा है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इसी ही प्रकार की है, मिनट में भाषा बदल जाती है। कल तक हमारे साथ थे जब जेजेपी के लोग, तो जैसे हम बोलते थे अब की बार तो आगे से जवाब ये देते थे चार सौ पार, पर अब गठबंधन टूट गया, अब उनकी मजबूरी है, पूछ लो तो पूछना। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।